आप देख रहे हैं श्री न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं ख्वाहिश पटियाड़। थोड़े दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी पीडीडी के डेली वेजर्स की, जो कि नीड बेस्ड हैं और बहुत मुश्किलों से, बहुत दूर दराज से आके वो जम्मू में धरना दे रहे थे पिछले कई दिनों से, और अपनी समस्याओं को लेकर वो लोग इतने चिंतित थे कि कुछ लोग, वो भी लोग वहाँ पर आए जिनके हाथ नहीं थे, हाथ कट गए थे और शरीर कई विकलांग भी थे, तो बहुत मुश्किलात हैं, तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, कईयों की उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब वो कहीं और जा भी नहीं सकते हैं, उल्टा डिपार्टमेंट भी उनको परमानेंट नहीं कर रहा है। वहीं बात करें हम कश्मीर डिवीज़न की, तो कश्मीर डिवीज़न में भी यही मसला था, लेकिन गवर्नमेंट ने पहले वहाँ पर उनका मसला हल किया और ज़्यादातर एम्प्लॉइज़ को वहाँ पर पक्का किया गया और उनका जो वर्क एक्सपीरियंस जो टर्म था वो भी बहुत कम था जम्मू एज़ कंपेरिजन टू जम्मू। तो ये एक बार जम्मू से डिस्क्रिमिनेशन का मसला ही है कि जम्मू वालों को अनदेखा कर दिया जाता है, उनकी दिक्कत परेशानियाँ, उनकी जो मजबूरियाँ हैं उनको दरकिनार करके कश्मीर को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है, जम्मू को बगैर उसके बाद प्रेफरेंस दी जाती है। अभी भी वो लोग धरने पर हैं, लेकिन आज आपको मैं बताऊं कि ऑल जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉयज़ इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस मसले को गंभीरता से देखते हुए बहुत सारी ये चीज़ें सामने लेकर आए और ये भी कहा कि हम लोग इंजीनियर्स हैं और हम लोग अपने डेली वेजर्स जो लोग एम्प्लॉयज़ हैं या परमानेंट जो भी हैं उनके बिना नहीं चल सकते, अगर वो मुश्किलात में है तो हम कैसे काम करेंगे, बहुत बड़ा सवाल है। सचिन जी, आप लोगों ने भी उनकी समस्याएं देखी होंगी कि कईयों के हाथ कट गए हैं, तनख्वाहें नहीं मिलती हैं, चाहे वो दिन त्यौहार हो और कहीं कहीं ना जाने कैसे वो गुजारा करते हैं, मांग मांग के उधार करते हैं, कभी कभी उनको अपनी ज़मीनें गिरवी रखनी पड़ती हैं, घर तक बेचने पड़ते हैं इलाज के लिए, कहीं तो ऐसे हैं जिनके लिम्स कट गए और उनको मुआवजा तक नहीं मिला, वो लोग अभी भी धरने में बैठे हैं, आप लोग उनकी भी पेन ले रहे हैं, तो किस तरह से सारा मसला है कश्मीर में हल किया जाता है, कई लोगों को बहाल भी कर दिया है, जम्मू में क्यों नहीं कर रहे? देखिए, लास्ट 6 मंथ से हमने पावर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्लेटफॉर्म को बिल्ड किया और गवर्नमेंट को हर लेवल पे सेंसिटाइज किया, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट किया था कि जो गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें कि एडवाइज़र्स हैं वो एक पूरा इस चीज़ का कॉग्निजेंस लेंगे और इन सभी इश्यूज़ को हॉलिस्टिकली देखेंगे जो हमने प्रोजेक्ट किए थे। उनमें से कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जैसे हमारे फील्ड ट्रेवल अलाउंस जूनियर इंजीनियर्स को अभी तक 30 रुपीज़ पर मंथ मिलता है, 30 रुपीज़ पर मंथ, इट्स रेयर इन द होल कंट्री, 30 रुपये पूरे महीने फॉर ट्रैवलिंग द फील्ड और कैरिंग आउट ऑल द वर्क। सिमिलरली हमारे जो डेली वेजर्स हैं, जो हमारे हाथ पैर सब कुछ है, एक चीफ इंजीनियर साहब भी आज की डेट में टेक्निकल एम्प्लॉय जो उसके पास ग्राउंड लेवल पे है आफ्टर जूनियर इंजीनियर, वो एक डेली वेजर है, क्योंकि 24 ईयर्स से हमने उन्हीं के सहारे हम चलाते आए हैं, और आज की डेट में हम अगर उनकी तरफ तवज्जो ना दें, और इसीलिए पावर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी ने ये डिसाइड किया है कि हमने पहले भी एडवाइज़र साहब को, अब शर्मा साहब से भी हम मिले थे, पहले व्यास साहब से भी हम मिले थे, कि जिस तर्ज पे हमारे पास वैकेंसीज हैं डिपार्टमेंट में उसी तर्ज पे जैसे कश्मीर में उन्होंने अभी ऑर्डर इशू किया है, जम्मू में क्यों नहीं ऐसी चीज़ें की जाती हैं और जम्मू में क्या ऐसी चीज़ें रोक रही हैं उनको कि वो ऑर्डर नहीं इशू किए जा रहे हैं। जो हमारे यहाँ जो डिस्क्रिमिनेशन की भावना आ रही है और जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं ग्राउंड लेवल के, उनको अगर हम दरकिनार करके सोचेंगे कि डेवलपमेंट के हम परचम लहराएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। गवर्नर साहब ने कल जो है हमारे गवर्नमेंट का अचीवमेंट्स का प्रेजेंट किया, उसमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स को लेके सारी अचीवमेंट्स थी, इलेक्ट्रिफिकेशन को लेके अचीवमेंट्स थी, वो सब कैसे पॉसिबल है अगर हमारी ग्राउंड लेवल पे हमारे जो डेली वेजर्स ने काम नहीं किया हो, हमारे जो इंजीनियर्स हैं, जूनियर इंजीनियर्स हैं, AWs हैं, एक्सटेंस हैं, चीफ इंजीनियर लेवल तक, टीम वर्क की बात होती है कि टीम वर्क जिस तरह आप हैं, तमाम वर्कर हैं, मिलजुल के काम करते हैं, लेकिन हमने ये बहुत ज़्यादा देखा सचिन जी कि बहुत सारे डेली वेजर्स हैं जिनकी समस्याएं हल नहीं हो रही हैं, बहुत बार धरने बैठते हैं, फिर उनको थोड़ी सी कुछ महीने की, समझिए 1 साल की तनख्वाहें बनती है तो 2 महीने के पकड़ा देंगे लोग, खुश कर देंगे, जाइए आगे फिर आ जाएंगे टाइम टाइम, लेकिन नहीं मिलता है। गवर्नर भी इस मसले को लेकर काफ़ी संजीदा है कि वो देख रहे हैं, मसला हल नहीं हो पा। देखिए, जिस तरीके से कल फाइनेंस डिपार्टमेंट की बजटरी प्री बजट मीटिंग हुई, उसमें जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के आधार पर मैं बात कहना चाहता हूँ, उसमें साफ कहा गया कि आप जो सैलरीज हैं नीड बेस की या डेली वेजेस की वो इंटरनली मैनेज कीजिए, हम अलग से कुछ प्रोविजन नहीं कर सकते, बजटरी अलॉटमेंट नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ की फाइनेंस डिपार्टमेंट को थोड़ा सा इसको ज़्यादा संजीदगी से लेना पड़ेगा। एक तो तरफ तो कश्मीर में आपने रेगुलराइज करके उनको कैडर में ले आए हैं, उनके अगेंस्ट तो बजटरी सपोर्ट आ गया, लेकिन जो जम्मू में इतना सारा डेली वेजर फोर्स है उसके लिए बजटरी अलॉटमेंट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो आने वाले दिनों में जम्मू में प्रोटेस्ट ना हो
और बिजली का सिनेरियो या पानी का सिनेरियो खराब ना हो, इसलिए हम आज मजबूर हुए हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। नहीं, ये चीज़ तो है, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है बहुत ज़्यादा कि जो लोग आप लोग इंजीनियर्स में काम करते हैं बड़े बड़े ट्रांसमिशन पर जाकर या फिर कहीं पर भी, और डेली वेजर भी साथ हैं, और एक शिकायत ये भी रहती है कि जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम है, वो लोग ज़्यादा नंबर्स में नहीं है, तो ज़्यादा काम डेली वेजर से ही लिया जाता है, लेकिन उनकी जो जो एक सेफ्टी मेजर्स है उसको दरकिनार करते हुए वो लोग काम करते हैं, उसी चक्कर में बहुत सारे लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं, तो क्या उसका ऐसा भी कुछ आपने रखा है कि उनको? देखिए, जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं वो इंडिविजुअल जो फीडर मैनेजर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और हम हमारे सारे स्पीडर मैनेजर्स को सेंसिटाइज करते हैं कि जब भी ऐसा काम वो करने जाएं तो प्रॉपर प्रिकॉशंस लें, और वो एक ऐसा मैटर है जो कि इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। अब जो भी इंजीनियर ऐसा काम कर रहा हो उसको हमेशा जो है प्रिकॉशंस लेने चाहिए, और ऐसी कैजुअलिटीज ना हो ऐसा पूरा कोशिश करनी चाहिए। तो अभी सत्यपाल मलिक आए हुए हैं, काफ़ी कड़े डिसीजन भी ले रहे हैं, लगता है कि जम्मू का मसला कुछ हल होगा अगर जल्दी कुछ ना हो, अगर सरकार, क्योंकि आगे असेंबली इलेक्शन भी हैं। देखिए, मैं काफ़ी एक महीने से कोशिश कर रहा हूँ कि गवर्नर साहब से अपॉइंटमेंट मिले, क्योंकि कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो गवर्नर साहब की नॉलेज में लाना बहुत ज़रूरी है। एडवाइज़र्स साहब ने पहले भी सुना, सुनने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ सुनने से पोस्ट ऑफिस खोलने से काम नहीं चलेगा, देर हैज़ टू बी ए टू वे प्रोसेस। मैं बताना चाहता हूँ, ये एक्सेलशर की रिपोर्ट है, एक्सेलशर की रिपोर्ट कहती है कि जो KS और KPS ऑफिसर्स को एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन जो है वो इशू किया गया सेम अप्रूवल पे जो कि इंजीनियर्स के लिए भी आया था, लेकिन इंजीनियर्स के फेवर में SRO को इशू नहीं किया गया, इंजीनियर्स के फेवर में फील्ड ट्रेवल अलाउंस को एनहांस नहीं किया गया। 30 रुपये अगर प्रिया साहब आपको भी कहेंगे पूरे महीने आपको फील्ड ट्रेवल अलाउंस मिलता है और आप पूरी जो है अपना एरिया जो है 5 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर का, 20 किलोमीटर का उसको मैनेज कीजिए, उसकी पिलफरेज चेक कीजिए, उसको पावर सप्लाई मेंटेन कीजिए, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो फिर तभी जो ऐसे केसेस आते हैं, लोग कहते हैं जी ये अपना खर्चा पानी मांगते हैं, बहुत सारे लोगों ने हमसे शिकायत की कि वो जाते हैं। वो प्रॉब्लम्स इसीलिए ब्रीड होती हैं जब आप डिसकंटेंट क्रिएट करते हैं, आप नीड बेस्ड एम्प्लॉय को रखे हुए हैं लेकिन उसकी सैलरी नहीं पे करते हैं, वो क्या करेगा, कितना आप कितना कैसे उसको विजिलेंस